हमारे यहाँ एक कहावत है, सारी रात रोई एक मर्या और वो भी पड़ोसी। आज जिस पार्टी से हम लड़ रहे हैं उसी पार्टी की अपने सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई। इस देश में अगर खिलाड़ियों को कोई सम्मान दिया है किसी ने तो वो हमारी पार्टी ने दिया है कि हरियाणा का कोई खिलाड़ी अगर गोल्ड मेडल जीत के आएगा तो हम उसे 1 करोड़ रुपया नकद देंगे। इस देश में अगर खिलाड़ियों को कोई सम्मान दिया है किसी ने तो वो हमारी पार्टी ने दिया है। आपको ध्यान होगा कि हरियाणा में जब हमारी सरकार बनी थी, मैं बतौर मुख्यमंत्री किसी एक जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा था। मेरे सामने पढ़ने वाले बच्चे परेड कर रहे थे। उस वक्त सारे विश्व के स्तर पर ऑस्ट्रेलिया में गेम्स हो रहे थे। मैंने अपने भाषण में एक बात कही थी कि ये जो दीवारों पे लिखा गया है कि कौन बनेगा करोड़पति, ये तो गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं आपसे वायदा करता हूँ कि हरियाणा का कोई खिलाड़ी अगर गोल्ड मेडल जीत के आएगा तो हम उसे 1 करोड़ रुपया नकद देंगे। जो कोई खिलाड़ी चांदी का मेडल लेकर के आएगा उसे 50 लाख रुपए देंगे। अब जो कोई कांस्य पदक लेकर के आएगा उसको 25 लाख रुपया देंगे। हमारे देश की, हरियाणा प्रदेश की एक महिला ने, जो आंध्र प्रदेश की बेटी है और हरियाणा में ब्याही हुई है, कर्णम मल्लेश्वरी, वो कांस्य पदक जीत करके आई थी। हवाई अड्डे पर हमारे देश की धरती पर पाउंड का रखने पर हमने उन्हें सीधे 25 लाख रुपए दिए थे कि नहीं दिए थे? और फिर सारे देश के, प्रदेश के लोगों ने उसका सम्मान बढ़ाया। उससे बच्चों में हौसला बढ़ा और हरियाणा प्रदेश के बच्चों ने आगे के लिए खेल में मेडल हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास किए और उसका सुखद परिणाम ये निकला कि अब जहाँ कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेम्स होते हैं उनमें मेडल जीतने वालों में हरियाणा प्रदेश के लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। होती है कि नहीं होती? और कुछ फसलों के मुआवजे के नाम पर बड़ा फर्जी बड़ा हुआ है सर, फसल किसी के नाम है और खाता किसी का दिया जा रहा है। इसके अलावा फसलों का प्रकृति के प्रकोप से नुकसान हुआ है, कहीं ओलावृष्टि से, कहीं झक्कड़ से, हम इस सरकार को इस बात के लिए अनुरोध कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार नहीं करेगी। हमारी सरकार बनने के बाद हम जिस किसी किसान का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा देंगे। बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन किस तरह से,
बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार जो है आपकी पार्टी से जुड़ रहे हैं, वापसी आ रही है। हमारे यहाँ एक कहावत है, सारी रात रोई एक मरिया और वो भी पड़ोसी का। मैंने कहा आपको ये बातें मैं पहले कह चुका हूँ, उसको दोहराने से कोई लाभ है क्या? हमारी एक सोच है कि इस कृषि प्रधान देश के कृषक को हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करें। स्वर्गीय सरदार प्रकाश सिंह बादल आज इस संसार से चले गए, उनके प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वो किसान के लिए अग्रणी नेता थे और मुल्क के आज़ाद होने के बाद इस मुल्क में उनको सबसे ज़्यादा जेल काटनी पड़ी थी। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी जेल नहीं होगी जिसमें बादल को ना रखा गया। हम तो राष्ट्र के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हर एक से अनुरोध करेंगे, जो कोई भी हमारे साथ शामिल होना चाहेगा हम उसका स्वागत करें। हम चाहते हैं कि तीसरे मोर्चे का गठन हो, सभी राजनीतिक पार्टियों को हम इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात मैंने अभी बताई तो है आपको, हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है। आज बीजेपी की सरकार है, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। एक वक्त वो भी आया था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार गिर गई थी और नए सिरे से जब चुनाव हुए थे तो हमने अनकंडीशनल बीजेपी का समर्थन किया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने बारह हमसे अनुरोध किया कि हमारी सरकार में आप अपना कोई प्रतिनिधि भेजें। हमने कहा हम कोई सरकार में प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे, हम आपका अनकंडीशनल समर्थन करेंगे, किया हम। तो हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है। आज जिस पार्टी से हम लड़ रहे हैं उसी पार्टी की हमने सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई।